वह हमेशा के लिए मुझको छोड़ गई। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं सदा के लिए या हमेशा के लिए। और फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं अब तक तो बहुत अच्छा, अब तक तो ठीक ठाक। जैसे अगर किसी ने पूछा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तो आप कहेंगे अब तक तो बहुत अच्छा, या अब तक तो ठीक ठाक, या अब तक तो मन के मुताबिक। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप दो टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक सीखेंगे, जो है फॉर गुड और दूसरा है सो फार सो गुड। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके फ्रेज वर्ड फॉर गुड और दूसरा टॉपिक सो फार सो गुड के बारे में सीखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो मैं सदा के लिए शराब छोड़ दिया, तो आप कहेंगे आई गिव अप ड्रिंकिंग वाइन फॉर गुड। यहाँ फॉर गुड मतलब सदा के लिए या हमेशा के लिए। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर लिखा हो वह सदा के लिए मुझे छोड़ गई, तो आप कहेंगे सी लेफ्ट मी फॉर गुड। यानी वो हमेशा के लिए या सदा के लिए मुझको छोड़ गई। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह हमेशा के लिए मुंबई में बस गई, तो आप कहेंगे सी सेटल्ड इन मुंबई फॉर गुड। वो हमेशा के लिए फॉरेन में चला गया, तो आप कहेंगे ही वेंट टू फॉरेन फॉर गुड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा, तो आप कहेंगे I live with you for good. Friends, अगर आपको कहना हो मैं हमेशा के लिए एक बिजनेस शुरू किया, तो आप कहेंगे I started a business for good. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको फ्रेज वर्ड फॉर गुड के बारे में शानदार तरीके से समझ में आया। आइए फ्रेंड्स, अब सोफा सो गुड के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, जैसे अगर आपसे कोई कहे हाउ इज योर लर्निंग गोइंग ऑन, तो अगर आपको ये कहना हो अब तक तो बहुत अच्छा, या अब तक तो ठीक ठाक, या अब तक तो मन के मुताबिक, तो आप कहेंगे सो फार सो गुड। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, और आपको ये कहना हो कि अब तक तो ठीक ठाक, अब तक तो बढ़िया, तो आप कहेंगे सो फार सो गुड। फ्रेंड्स, सो फार सो गुड मीन्स अब तक तो अच्छा, अब तक तो बढ़िया, अब तक तो मजेदार, या अब तक तो ठीक ठाक, या अब तक तो मन के मुताबिक। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, और आपको ये कहना हो कि अब तक तो ठीक ठाक, या अब तक तो बढ़िया, अब तक तो मन के मुताबिक, तो आप कहेंगे सो फार सो गुड। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह दोनों टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि फॉर गुड और सो फार सो गुड क्या है। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस कंसेप्ट को आपने शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इन दोनों टॉपिक्स पर दो दो सेंटेंसेज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो दो सेंटेंसेज आप कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।